Hello and welcome back again to my channel, guys. This is Sapna from Sapna Master IELTS, and this video is about 12th May IELTS exam predictions. ज़्यादातर students का exam है 12th May को, इसलिए पहले इसकी prediction मैं upload कर रही हूँ. उसके बाद I'll be uploading the rest of the predictions. Now the question is, what is prediction? और आपको इस पे कितना rely करना चाहिए. पहली बात तो ये, the students have been commenting, texting, they have been asking me कि मैम prediction दे दो, पैसे ले लो. सी, प्रिडिक्शन इज अ गेस वर्क. जो हम पुराने जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी एग्जाम पेपर्स होते हैं, हम उसको ध्यान में रख के वी प्रिडिक्ट कि कैसा एग्जाम आ सकता है. इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ वही करना है जो प्रिडिक्शन में दिया गया है. नो डाउट स्टूडेंट्स ने भी लिखा है कि हमारी प्रिडिक्शंस रियल रहती हैं, जो हम कहते हैं वैसा आ जाता है, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन. सो आप इसके थ्रू जाएं, वो थ्रू करें, बट इसके अलावा पूरी प्रेपरेशन करके जाएं, तभी ये प्रेडिक्शन आपके काम आएगी, अदरवाइज इट विल गो इन वेन. सो पैसेज वन, रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड यस नो नॉट गिवन इन द थर्ड पैसेज, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, इसलिए इसको जरूर करें. देन फिलअप्स क्वेश्चन आंसर्स एंड विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिसर्चर के जैसा आ सकता है वो आप कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज जनरल की रीडिंग के लिए, विच पैराग्राफ कंटेन्स प्लस येस नो नॉट गिवन इन समरी कम्प्लीशन या सेंटेंस कम्प्लीशन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. लिसनिंग में पार्ट वन में फिलअप्स नो मोर देन थ्री वर्ड्स, जो कि होगी ईजी. पार्ट टू में मैप या फिर डायग्राम लेबलिंग आ सकता है प्लस शॉर्ट एम सी क्यूज. पार्ट थ्री में वी कैन सी द सिलेक्शन ऑफ लेटर्स आ सकते हैं, एंड पार्ट फोर में फिलअप्स. देन टास्क वन, अगर एकेडमिक की बात करें तो टेबल, लाइन, प्रोसेस या पाए की बात हो सकती है. एंड इन जनरल अगर हम देखें तो फॉर्मल लेटर कैन बी आस्क्ड. राइटिंग टास्क टू कुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री डिसएग्री, या फिर डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन जैसे क्वेश्चन आ सकता है. एंड दीज आर द टॉपिक्स गाइज, दीज आर द टॉपिक्स विच यू कैन यू दिस. एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड जितने भी क्यू कार्ड्स, राइटिंग टास्क है वो आप करें. आपको वेबसाइट ऑलरेडी बता दी गई थी, इफ यू स्टिल डू नॉट रिमेम्बर द वेबसाइट्स आर प्रैक्टिस ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है उस पर बहुत ज्यादा IELTSonlinetraining.com, उसमें बहुत ज्यादा आता है राइटिंग टास्क. IELTS मटेरियल की PDF है राइटिंग टास्क 1 और 2 की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से देखें. उसमें से भी लास्ट आया था क्यू कार्ड एंड राइटिंग टास्क 1 टास्क 2, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं. यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसको जरूर प्रिपेयर करें. नाउ द क्वेश्चन इज कि सभी कहते हैं कि सारे क्यू कार्ड, सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं, सो व्हाट इज लेफ्ट. लेफ्ट थिंग इज देयर आर सो मेनी टॉपिक्स व्हिच आर स्टिल नॉट डिस्कस्ड हियर, तो वो नहीं आएंगे इसमें से. शायद अगर आप प्रिपेयर करके चलें तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है. सो ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल फॉर योर एग्जाम एंड प्रैक्टिस अच्छे से करें, सो दैट अच्छे बैंड आ सके, 7 बैंड आ सके. टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.